तो ये इतना दिन से मामला चलता रुआ लोग पर, मैंने तालमेल नहीं खे कार्यपालक पदाधिकारी या रुआ लोग गवर्निंग बॉडी में, तो ये आज तक मीडिया में कहीं खबर ना दिखो। हमारे अरविंद कुमार जी हैं जो विकास के नाम पर कलंक है, जब भी विकास के नाम कीजिएगा तो आपको FIR, हमने एक महीना जेल काट गया। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देखिए वार्ड नंबर 13 में घूमत घूमत तेल निकल गया बा, पसीना से का हाल बा, दिमाग एकदम भनभनाइल बटे। आई रास्ता देखिए वही में मिलत कितना सुंदर सुंदर है। PCC हो ई कदन, PCC हो ओकरा ऊपर ईटा भरल बा, आई पानी लागल बा, आजा बगल में एगो मोरी बनल बा, यहीं मोरिया के देखी तनी कमरा डिजाइन से बनल बा। आई के हो स्वर्ण पदक प्राप्त इंजीनियर जेकरा के पास करेले बड़े, पक्का भोपाल से BE को क्या हुई है, बेचारू BTEC वाला तो हुई है ना, आ घूस देख के नौकरी ले हुई है। अब देखी हाउ रास्ता हो आ 2 फीट ऊपर है नारी बनल बा, ये मोरिया बनल कौन काम खाती बा पता ना। आओ देखी हो दे एगो पाइप घुसल बा जौन होने के पानी लेके निकालत आ जा रोड पर गिर रहा बा। देखिए दे भाई छरछरा के गाड़ी धो रहा बड़े, आप रिंग धो तर चलिए दे हे जा साइड से हम पार होता नहीं। नालवा काहे खाती बनल रहो भाई, गोबर है देख ली है, है नाला बा, है लगभग 3-4 फीट एकर चौड़ाई बा, और बाद है सोख्ता बनल बा, पोखरा खुनाइल बा बैंक पोसे खाती, एहू में बैंक बड़ा सकुली कोई गो। मैंने का औचित्य बा कि नाला बन गया तब बगल में गढ़ा में पानी जमा होता और में बैंक पोसाता, एक औचित्य समझ में नहीं आवत। आई है देख चली है रोड हो वो PCC के बगल में नाला बनल बा, आ तो बेजा हतना कचड़ा झेले के पड़ता है। देख ली हेजा का चचा है नरिया कहा खेती बनल बा, नाला तो बनल पानी आवे जाके तो, मगर जब तक तो बनी तो कंप्लीट ना हुई कहाँ से बनी। हमारा तो बोलते चिपरी सुखा खेती बनल बा, चिपरी अब कहा सुखी, जब बनी तो बनबे ना करी तो का कही, पानी नहीं जाला उला, पानी कहाँ से जाई, होनियो नीचे बा है ना, पानी तो बाहर निकला था रोड से। अच्छा हे में से पानी रोड बाहर निकलता है, नलगन पानी है जो। अच्छा राम रे राम, ये नलवा काहे के बनल बा भगवान जानस, या कार्यपालक अधिकारी जी या जे पास कोइले होई जेई ऊ जानो, इंजीनियर साहब जानो। हई रास्ता देखी, हई रास्ता हटे स्कूल के, ये राजकीय मध्य विद्यालय और रामापाली के नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 महाराजगंज के, ये स्कूल के लगे इतना पानी लागल बा, जूम करके दिखाओ वो स्कूलिया में जल नल के टूटी गई बा, उ मशीन गन बनल बा टेढ़ होके, देख लियो करा के टोटी उटियों में नहीं खेला गल। आई है आव है तन देखाओ बाबू हदे, है देखी का हो भैया का कहता रहो, रोड में के पानी नाला में जाला तो नाला में का पानी रोड पर जाता है। हाँ देखिए तो कोई जगह चुहता है, एक जगह हो जा ओकरा बाद हे जा, ठीक हे जा, अभी ले सुन ले रही है जा कि नाला बने ला रास्ता के बगल में, कि रास्ता पर के पानी मोरी में घुस जाओ, आए जा मोरिया में के पानी रास्ता पर जाता, चचा घर आओ रही जाओ। यही बात तो ये काहे खाती बनल बा मोरिया, पानी घीचे खाती। अच्छा घीचे ला ना, हाँ इसमें जमा रहला। हाँ कई साल भइल बनला, हो गई 5 साल। हाँ बनल बढ़िया बा, लेकिन है टूटल टूटल लिखे का जो तो नया बनल कैसे टूटी। हाँ यूज बस एकर नहीं खे, एमे के पानी बह रहल बा रोड पर, रोड पर। हाँ बंदो तो नहीं के बा, अपना वार्ड से पूछे नहीं ना कि काहे विकास नहीं खे होत, अब पहुंचे पूछे हम तो। हाँ। जे ऊपर के बा वो है विकास नहीं करे तो नीचे वाला आदमी क्या करी है। अच्छा तो वार्ड नीचे वाला होले राउर नगर का चेयरमैन हूँ, तो चेयरमैन के ऊपर बानी के वो सर। अच्छा वहाँ क्या कुली ई बात है जाके वार्ड के एक नागरिक जानत रहे कि ऊपर से का दूर रोकल बा। चलिए ने आगे पड़े आगे पड़े हम बैठो तनी, एजा बा नाला तेगो ठीक बा कि घास उस सुखावे के कामे आवता, होने चिपरी सुखते रहो एजा घास सुखता, आगे बुझाता कि और वही एजा बोआइल बा। आई नगर पंचायत के नाला दिखाओ तनी, नाला वजह से शुरू भइल तहाँ से देखो नहीं हो, यहीं आके खत्म हो गई बा।
ना तो बेचारा के पानी है ही पड़े गिरता ना बेचारा के पानी हो पड़े गिरता। ई कवना गांव खाती बनल बा रोड से 2 फीट ऊंचा ई पता ना, लेकिन हेजा रोड पर पानी पाकी जरूर बाटे। आई चली आगे बढ़ी हने आगे देखी हेजा टर्निंग बाटे और टर्निंग के बाद अच्छा हेहू जन नलवा का तुम हे जैसे चलू बा आजा इ तोपा गिल बा या भरा गिल बा। ओकरा बाद फिर हने से आगे बढ़ल बा कतना एकर यूज बा इस्तेमाल बा एकर नमूना तनी हटी लो ना आगे से एकर नमूना आई देख ली हे दे वार्ड पार्षद जी आवत तनी हिचो हिचो करत। अब हेंग पार्किंग होखी हमरा खातिर कन्फ्यूजन बा आई हई देख ली हई पाको के आनंद ली। ई मेन रोड पर बाजा रामापाली गांव हो आ वार्ड नंबर 13 हो यहीं बढ़त ये रास्ता चल रहा बा आगे पड़े चली रुआ के चल के आगे देखावत हनी। ये विकास हटे वार्ड नंबर 14 नगर पंचायत के हम बार बार नगर पंचायत ऐसे कहत हनी कि पंचायत में विकास ना होला नू। बहुत लोग दुखी रहल जब नगर पंचायत नायका ही आयल हनु नायका जौन समीकरण आयल ह आ कुछ जिला में 5 गो नगर पंचायत बनल है तो जौन बाजार ना बनल हो जाके लोग बड़ी दुखी रहे। लोग कहे कि ना बड़ा गलत भइल ह हमनी के बाजार ना बनल हमनी के जगह ना बनल ह। देख ली आई राउर पंचायतवा निमन बा ये नगर पंचायत वाले ग्राम पंचायत बहुत निमन बा नगर पंचायत ले। इतना देर के बाद हमारा पहला बार यहाँ पर एगो विकास के बोर्ड लौकल बा नगर पंचायत महाराजगंज के योजना अंतर्गत। योजना के नाम वार्ड संख्या 13 में सकलधारी यादव के घर से भगवान चौधरी के घर तक मिट्टी ईटकरण एवं PCC प्राकृत राशि बटे 6,74,091 रुपया एकर उद्घाटन कर बनी श्रीमती शारदा देवी अध्यक्ष नगर पंचायत महाराजगंज के कर कमलों द्वारा कल गई बा। कब बन रहा भैया? अच्छा 9/5/16 हेजा लिखल बा हेपर नहीं खे ठीक बा। ओबरा कार्यपालक पदाधिकारी बसंत कुमार जी रहनी अच्छा व्यवस्थापक त्रिपुरारी सिंह जी अजय कुमार आ संवेदक राजकुमार यादव रहनी। ई 2016 के हो ठीक बा। ओकरा बाद हमरा ई बोर्ड अभी ले नायका ना लौकल है दूगो वार्ड हम घूम लेनी। चली आगे बढ़त नहीं कहीं कुछ लौक जाओ हैली है जा है ठेला देखी ई ठेला जा लागल बटे कचड़ा वाला है ढोए वाला है ई खड़ा बा बेचारा आ यही में फेंका रहा बा एकर सीट टूट गायब बा और का जाने काहे खाती बा बस गनीमत इतने बा कि तीनों गोड़ पर खड़ा बा अपना हई आई हई नगर पंचायत के कूड़ा यार्ड हो मतलब ये रेलवे के जमीन हो यहाँ लिया के कूड़ा एजा फेंकल बटे और हई देखिए दे दाची यार दिले भाई डबवा ये बेचारा पलट गई बा उल्टी कर रहा बा का भैया हाँ। के फेंके ले जा ये नगर पंचायत के जो बाटे कर्मचारी साफ सुथरा करे वाला हाँ। तो कृपालक जो मानी वहाँ के कह के बजा मैंने स्टोरेज बाय कर रखे खाती हाँ। कचरा के इकट्ठा करे खाती हाँ। जो बतैले बा जी बिगता लेकिन अच्छा। रेलवे के जगह में है खुला में बिगता है रास्ता बाटे आए जाए से बहुत लोग के परेशानी बा हाँ। और कचरा से लोग के बीमारी भी फैलत बाटे और देखते बानी सब है रास्ता हो सब कुछ ये कुल दिक्कत बाटे हाँ। सबसे मेन दिक्कत है जी रेलवे ढाला जो बाटे ई कम से कम ई फतेहपुर बिशनपुरा रामापाली वार्ड नंबर 13-14 कटवार अभुई हैं सब जोड़े ला रास्ता एकर सबसे बनल जरूरी बाटे एकर चाहे नीचे से होखो अंडरग्राउंड रास्ता होखो या तो ओकर ओवर से ओवर फ्लाई ब्रिज ऊपर से भी हो सकता है एकर जौन भी रास्ता होकर रास्ता निकाले के चाहिए। देखिए रास्ता कितना खराब बटे कम से कम 7 गो 8 गो गांव के जोड़े ला रास्ता देखी रास्ता हई 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 नमूना देखिए एगो हेने से पानी अंदर अंदर के दू के जाने के पार हो जाता है साइफन लागल बका ना साइफन लागल है लेकिन फूट गई बा पार क्यों होता वही नीचे नीचे ईटा रखल बा ईटा रखल बा। अब देखी गाड़ी जाती है तो गड़िया अगर थोड़ा सा भी ईटवा एने होई तो पलटी मारी ओजी वाला GPS पब्लिक स्कूल और जाइए से लड़का तो लड़का सके बहुत जी जेनरस स्थिति बाटे सबसे जेनरस स्थिति हो जी बाटे और रास्ता सबसे पहले बने के चाहिए कम से कम 10 गो गाँव के रास्ता जुड़ा था रामापाली वार्ड नंबर 13-14 के बीच में बाटे बहुत मने गांव के 7 गो से 10 गो गांव के कम से कम रास्ता जोड़ला तन रास्ता तनी भैया कैमरा मैन
मिलेला थोड़ा इन्हें देखा दी का चाची हमरा कोटा ना मिलेला काहे पहले मिला तालाब कोतल नाम कट गई अब धनी खगल बनी का हमरा खेत पर कुछ नहीं है हां तब तो मिले के चाही तब हमरा ना मिलल त हम का कर सकत कब पूछो नी वार्ड से अपना वार्ड से पूछले नहीं थी का कहलल ने नाम नहीं खे नाम नहीं खे तो जुड़ाई ना नाम का जन जुड़ाई कि ना जुड़ाई अच्छा वृद्धा पेंशन 60 साल हो गेल बा हां हमरा पूरा पेंशन मिलेला मिलेला हां 400 रुपया और रास्ता कहां के चाची अच्छा रास्ता नहीं जाना चाचा के जोन हाँ हई देखी घामा में तेल निकल गेल बा हई रुआ के देखा दी हनी बाबू हटलो ना बाबू हट जालो हई एने देख ली हई फाटक लागल बा वजह से पार होता हई रास्ता जोन बा महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 आ 14 में जाता है देखिए दे भाई के चाची के उतार के पार करे के पड़ल हई रास्ता है ना लेके आए तो गजने बा आ गुमटिया के पीछे से उतर के होंगे जाता ऊ गजने बा तनी छिया में हटे दी देह जर गई मुँह झोकर गई और यहाँ पर नगर पंचायत के चेयरमैन हमरा साथे यहाँ भेटा गई बनी बड़ी लोग यहाँ के कहता का जी नगर पंचायत चेयरमैन रुगन हुई हमारे भव है अच्छा राव भव हुई जी कई काहे इतना विकास भइल बा ई पंचायत विकास वार्डन में वार्ड में विकास के कारण हमारे कार्यपालक साहब हैं अरविंद कुमार सिंह वो कैसे जी जी हम लोग काम के लिए पूरा निविदा निकाले 118 योजना निकाले 118 योजना उन्होंने रद्द कर दिया अच्छा वो खाली खरीदारी करने के लिए हैं और उनको काम बताइएगा तो काम बताने के बाद बोलते हैं कि अध्यक्ष माने क्या होता है अच्छा अब हम उनको अध्यक्ष के माने क्या समझाएं उसके बाद उनसे 28 माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सात नीचे योजना माने माननीय मुख्यमंत्री जी का सात नीचे योजना जिसमें नल जल बहुत बड़ा बिहार के लिए माना गया है जो इसमें अधिकारी सबसे गदारी कर रहे हैं हमारे नगर पंचायत में जितने योजना है वो अरविंद कुमार के लिए काम नहीं हुआ वो नहीं करने दिए वो अपने गवर्निंग बॉडी में तरुआ लोबानी लो नू गवर्निंग बॉडी में हमारे साथ में हमारे पार्षद हैं लेकिन उनको बोला जा जाता है तो बोले जाने पर FIR किया जाता है 2020 समय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री को लिखा माननीय हमारे DM साहब को हर माननीय हमारे अधिकारी DSP सब लोग के पास मैंने लेटर लिखा लेटर लिख के मैं थक गया आज 2020 से लेके लगातार अभी तक ले मैंने कंप्लेन ही कंप्लेन किया आज के डेट में हमारे बिपिन राय ADM जो हमारे 24 तारीख को डिसीजन लिए हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब 2 महीने पहले DM को और DSP को और SDO को अलॉट किए कि आप जांच कीजिए नल जल के लिए उन्होंने आज 1.5 महीना हो गया जांच समिति ना बना नहीं बना है हम थक गए उनके पास जा जाके हमारे माननीय पार्षद लोग हमारे साथ गए हम जाके DM साहब से मिले तभी मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी फिलहाल में देखिए 24 तारीख को क्या होता है ये अब हम लोग को जितना समय था वो लास्ट चल रहा है आपके सामने है हमारा विकास और विकास के लिए जड़ का और ये हमारे अरविंद कुमार जी हैं जो विकास के नाम पर कलंक है जब भी विकास के नाम कीजिएगा तो आपको FIR हमने 1 महीना जेल काट के आया FIR के 28 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जब जल नल का योजना के लिए उद्घाटन था जब जल नल का काम नहीं हुआ तो हम उद्घाटन किस बात के करेंगे जब उद्घाटन हम नहीं किया हम नहीं गए हमारी भवे मंजू देवी गई थी उन्होंने बदतमीजी पेश किया बदतमीजी पेश करने के बाद हमारे ऊपर FIR किया गया और हमारे साथ आप देख ही रहे हैं जनता जनता क्या बोल रही है हमने 14 नंबर वार्ड के लिए मैंने क्या किया है ये सब जनता के सक्ष है मैंने 118 काम निकाला जो हमारी
14 वार्ड के लिए वंचित होते काम के लिए, मैंने वंचित किया था, लेकिन उन्होंने को ईगो था कि हमने काम नहीं करना है। काम जो भी आप थोड़ा बहुत जो देखे हैं वो हमारे बसंत बाबू का देन था कि जो काम हुआ है उनके जाने के बाद आज तक 2019 में इन्हों 19 में आया जनवरी में 18 तारीख को, उस दिन से लेके आज 2021 तक एक ईंट नहीं रखे 14 वार्ड में। अब हम आपके सामने समक्ष रखा हूँ और कंप्लेन करें लो तो वहाँ के माने राष्ट्रपति तो है ना कि वहाँ के ऊपर के उहले नहीं थे, तो हमारे तो कंप्लेन है, हर जगह कंप्लेन है, कंप्लेन के सुनवाई नहीं थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा हाँ, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री साहब जी आदेश भी दिए डीएम को, आज मैं बता ही रहा हूँ कि जो डीएम का आदेश आया आज तक डीएम साहब एसडीओ सर को नहीं बोले कि आप जांच कीजिए, और बीडीओ साहब के पास दिया गया है, जो जांच नहीं हुआ अभी तक दौड़ते ही रह रहा हूँ। तो ये इतना दिन से मामला चलता रुवालो पर मैंने तालमेल नहीं खे कार्यपालक पदाधिकारी या रुवालो के गवर्निंग बॉडी में, तो ये आज तक मीडिया में कहीं खबर ना दिखो। मीडिया यहाँ जो हमारी है, मीडिया को मैं लिखता हूँ, मीडिया पेपर में डालती नहीं है, मीडिया बिकी हुई है, लाचार है मीडिया। तो मीडिया तो नेता से भी केला, अधिकारियों से भी केला, अधिकारी से बिका हुआ है, उसको मंथली बांधा हुआ है। आज हमारे जितने माननीय पार्षद लोग हैं एक साल गए हो गए ऑफिस में, कहीं मैंने दरवाजा ठकठका के हम लोग थक गए, कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, लड़ाई 24 तारीख को, 24 तारीख की लड़ाई बटे। और फिलहाल वार्ड नंबर 13 14 पहले देखा नहीं है, वार्ड नंबर 13 हटे स्थिति बटे कि पार्षद साथ ही साथ चेयरमैन भी आरोप लगा रहा बड़े कि कार्यपालक पदाधिकारी जी जौन बानी वहाँ के काम नहीं होके देते, वहाँ के डिस्टर्ब कर तनी केस करवा देता नहीं। अब वहाँ के भाई महाराजगंज के लोग से का दुश्मनी बा, हो सकेला कि पार्षद लोग से दुश्मनी होके हो सकेला कि चेयरमैन से दुश्मनी होके हो सकेला कि इनका लोग काम ना करे खो, लेकिन जनता जनते खातिर रहुआ बानी। उप मुख्यमंत्री के आदेशो आ गेल बाबा 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजे के, मगर नहीं खेलवाइल जान जांच करेल बेलो ना कुछ करे। अच्छा 7 दिन खाती आइल बा तब नहीं के भइल, देखई पेपर तनी है देखा बा जी, पेपर में भी देले रहे। हां देखी पढ़ी, देखिए अखबार के कटिंग हटिए, 7 दिन में जांच आदेश रहे, जांच करके रिपोर्ट भेजे के रहे, लेकिन अभी तक सुविधा ना मिलल, अभी तक जांच ना भइल, और विकास की स्थिति इहे बटे। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग देखत रही हो महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 से, अपन प्रतिक्रिया जरूर दी, और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली, फेसबुक पर देखते तो पेज के लाइक करी फॉलो करी, आ वीडियो के तनी फैला दी।